बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं किस्मत के पत्ते। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आज तारीख है 27 अक्टूबर। क्या रहेगा आज के दिन में खास, चलिए जान लेते हैं क्या लेकर आए हैं आपके टैरो कार्ड, चलिए देख लेते हैं। और साथ ही साथ आज के दिन क्या रहेगा विशेष आपकी राशि के हिसाब से। ये डेट ऑफ बर्थ वाली राशियाँ हैं, ये सन साइन बेस्ड हैं, मून साइंस नहीं है। मैं मून साइंस केवल एस्ट्रोलॉजी में कर रही हूँ। चलिए बात करते हैं टैरो के हिसाब से सन साइन बेस्ड क्या रहेगा आज के दिन का आपका हाल। पहली राशि मेष राशि वालों, आज का दिन कैसा जाएगा? बहुत शानदार जाएगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, दो योजनाएं मिलाकर कुछ नया प्रयोजन हो सकता है, कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है, बशर्ते आपके पास एक अच्छा सिस्टम हो और एक बहुत बढ़िया पार्टनर हो साथ में काम करने के लिए। मिलजुल के सहयोग द्वारा काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं मन में एक अलग उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी, खुशी रहेगी। तीसरी चीज़ क्या है, रिलेशनशिप, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रहेगी आपकी। और अगर आप सिंगल हैं तो एक अच्छी प्यारी सी रिलेशनशिप स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। इन एनी केस आज का दिन आपका बेहद बेहद शानदार जाएगा। बात करते हैं अगली राशि की, टॉरेंस का। टॉरेंस आज का दिन बहुत खूबसूरत है, परिवार का, कुटुंब का, एक्सटेंडेड फैमिली, कजिन्स, सबका दिन मिला के आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और कहीं ना कहीं से आपके लिए बहुत तरक्की होगी, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ पाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मन में एक अलग उत्साह रहेगा, परिवार में सबका सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं फैमिली में ग्रोथ भी होगी। घर पर मन लगेगा, घर वालों के साथ मन लगेगा और वहीं पर आप समझेंगे कि आपकी असली खुशी कहाँ है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बढ़िया जाएगा। कई मामलों में आपकी कोई लोन की किस्त है वो चुकती हुई नज़र आ रही है, कोई पुराना कर्जा चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई किया है तो वो भी मिलेगा, आर्थिक सहयोग मिलेगा। तीसरी बात, आपके पास जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों तक पहुँचा पाएंगे, शेयर कर पाएंगे और इस चीज़ में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान ख्याति बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो टोटल मैं कहूंगी कई मायनों में आपका दिन बेहद खास जाएगा। शेयरिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो नॉलेज की हो, चाहे वो धन की हो, चैरिटी बेस्ड काम कर पाएंगे, जैसे कहते हैं लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, सामाजिक कल्याण के तौर पर आप आगे बढ़ पाएंगे, किसी की मदद करने लायक परिस्थिति में रहेंगे। बहुत खूबसूरत दिन है। बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों का, आज का दिन कैसा जाएगा। कर्क राशि वालों, सावधान रहना है, बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आना है, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना है, नहीं तो मन में दुख हो सकता है, कोई बात मन में घर कर सकती है, कोई स्ट्रेस सता सकता है, कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि एकदम से पिंच कर जाए, चुभ जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी होगा कि आपकी जो है बातें बाहर लीक हो जाएं, कोई बात आपने किसी से शेयर करी है वो कहीं जाके किसी और तरीके से तिल का ताड़ बन के आपके रूप में आए। तीसरी चीज़, आप किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। मैं हमेशा कहती हूँ विश्वासघात बाहर वाला नहीं देता है, अपने ही देते हैं, चाहे वो दोस्त हों, परिचित हों, परिवार के सदस्य हों, कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपना ही होता है, क्योंकि हम उतनी ही बातें उन्हीं से शेयर करते हैं ना जो हमें अच्छे से पहचानते हैं। तो कोई एक ऐसी बात होगी जो कि मन में घर कर जाएगी और मन में चोट भी लग सकती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों, आज का दिन बेहद शानदार जाएगा। आपको जैसे कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी ही, अधूरे कार्य पूरे होंगे, आप जीवन के अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, कायनात पूरी जुड़ेगी कि आप बहुत कुछ हासिल करें। आज का दिन अचीवमेंट्स का है, आप बहुत अच्छे से जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। मान सम्मान ख्याति प्रतिष्ठा सब बढ़ते हुए नजर आ रही है, मैं कहूँगी किस्मत पूरी तरीके से आपका साथ दे रही है। कन्या राशि वालों, बेवजह की उलझन हो सकती है, किसी से वाद विवाद हो सकता है, कोई बात इतनी लंबी हो जाए जो बहस का अंत ही ना हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत बुरा फंस सकते हैं, बातचीत आपकी बहुत बिगड़ सकती है, रिलेशंस आपके खराब हो सकते हैं और ये आप ही को नुकसान देगा, आपकी बोली हुई बात आप ही के लिए परेशानी का कारण बनेगी। तो बेटर होगा कि आप पीछे हट जाएं, नहीं तो आपके मान को जो है ठेस पहुंच सकती है, सावधान रहें,
आज के दिन अपनी डीलिंग्स से। बात करते हैं अब तुला राशि वालों के बारे में, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। बॉसेस, हायर अथॉरिटीज, पिता पिता तुल्य व्यक्ति, आपके हस्बैंड, आपका बेटा हो, कोई भी ऐसा पुरुष जो कि आपके जीवन में एक इज्जतदार पोजीशन पे हो, आपके जीवन में मायने रखता हो, उनका आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनका पूरा पूरा आपको जो है रिस्पेक्ट मिलेगी और कहीं ना कहीं से आप अपने आप को बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे, बहुत खुश फील करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे आज के दिन। पर ये ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो किसी चीज़ की उम्मीद भी करता है, तो उस उम्मीद पर खरे उतरना है। बाकी मैं कहूँगी कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी और आप एज अ लीडर बहुत फेमस होंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा जैसे मैंने पहले भी कहा वो बढ़ेगी आज के दिन। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली राशि की, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। अगली राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए आज का दिन बेहद शानदार जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो सब आपको मिलेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम विश करते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर विश करें, क्योंकि हो सकता है कि हम बहुत छोटी चीज़ विश कर रहे हैं लेकिन ऊपर वाला बहुत कुछ देना चाहता है, तो ऐसी चीज़ मांगे जिसमें क्या कहते हैं ना, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब जो सबके हित में हो और बहुतों का सुख प्राप्त हो, ऐसी चीज़ मांगे। उसमें क्या होता है, सबका हित तो होता ही है, अपना भी हित होता है। तो आज का दिन ऐसा होगा कि आप कई लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और अपने खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। मन में एक अलग संतुष्टि रहेगी, सुख रहेगा, समृद्धि रहेगी। बात करते हैं अगली राशि धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों में एक छोटा सा ट्रैवल प्लान नज़र आ रहा है, घूमना फिरना नज़र आ रहा है, मन में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि मन के हिसाब का नहीं हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, इस तरीके के तमाम थॉट्स आएंगे। जो लोग अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं उनमें से कई लोगों की ट्रांसफ़र प्रमोशन पोस्टिंग आ सकती है, कहीं ऑफिस ऑर्डर से बाहर जाना पड़ सकता है, जीवन साथी के लिए चाहे शॉपिंग में ही जाना हो पर कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। मन के हिसाब का नहीं होगा लेकिन कहते हैं ना, मन का हो तो इच्छा, मन का नहीं हो तो हरी इच्छा। फिलहाल आज का दिन हरी इच्छा वाला है। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों का, आज का दिन कैसा जाएगा। बेहद शानदार जाएगा मकर राशि वालों, आज का दिन फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, धन लाभ आपको मिलेगा। बहुत दिनों से आप किसी मौके का वेट कर रहे थे वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे आप, ग्रोथ के लिए आपका बहुत बढ़िया दिन रहेगा और सफलता हासिल करेंगे, फाइनेंशियली आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे और आपका दिन कई मायनों में बेहद बेहद खास रहेगा। और बहुत दिनों से किसी जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, किसी प्रस्ताव का वेट कर रहे थे, किसी बिजनेस डील का वेट कर रहे थे कि पूरी हो जाए, तो ऐसा कुछ पूरा होता हुआ इस समय पर नज़र आ रहा है, तो कई मायनों में आज का दिन आपका बेहद अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं आप कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वाले, प्यारा सा प्रस्ताव, एक अच्छा सा मैसेज, एक प्यारी सी सरप्राइज, कोई ऐसी चीज़ जो कि मन में एक अलग उमंग जगा दे, एक अलग उम्मीद जगा दे, ऐसी आपके साथ होगी आज के दिन। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर, अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी, अगर बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ब्यूटी, ग्लैमर, बुटीक, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, खूबसूरती, इंटीरियर डेकोरेशन, कपड़े सेल करने का, कॉस्मेटिक सेल करने का, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम है तो उसमें आपको लाभ भी मिलेगा और कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत होगी जो कि आने वाले समय में आपके लिए बेहद बेहद लाभकारी रहे। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की, क्या कह रहे हैं कार्ड्स अगली राशि के बारे में यानी कि मीन राशि वालों के बारे में। आज का दिन आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा सकता है, चैलेंजिंग जा सकता है मीन राशि वालों, कहीं ना कहीं विश्वासघात के योग नज़र आ रहे हैं, पीठ से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, लीगल कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, सावधान रहना है। किस्मत फिलहाल थोड़ा कम साथ दे रही है, मैं कहूँगी घर के बाहर निकलें तो थोड़ी देर महामृत्युंजय 5 मिनट ही जप लें वो बेटर रहेगा, कोई दान पुण्य का काम करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आज के दिन चैलेंजेस रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना है, पीठ से जुड़ी समस्या हो सकती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो सता सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो सता सकता है, ऐसे कोई ना कोई समस्या आपके साथ फिलहाल लगेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं लेती हूँ आपसे विदा और प्लीज़ अपना, अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आप सबका दिन बेहद बेहद शुभ हो।